तुमने तो सेल्यूकस को फारस से एक विशेष कारण के लिए बुलाया था ना, ये सोचकर कि वो तुम्हें हमारे विरुद्ध जीत दिलाएगा। ध्यान से देख लो, तुम्हारे सबसे बड़े योद्धा, तुम्हारे विश्वास का क्या हाल किया है हमारे पुरु ने। अब एक बार अपनी दृष्टि घुमाकर भी देख लो अलेक्जेंडर, क्या हाल हो रहा है तुम्हारी सेना का। किस प्रकार हमारा एक एक सैनिक तुम्हारे दस दस सैनिकों पर भारी पड़ रहा है। पुरु के शब्दों ने इन सब में शौर्य और देशभक्ति का संचार कर दिया है। अब ये सब निडर है, अभय है। तुम्हारी ये चाल भी उल्टी पड़ गई अलेक्जेंडर। हस्ती के शव को तुमने हमारी सेना में भय उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया, किंतु उसी शव ने इन सब में एक नया उत्साह फूंक दिया है। जो आग तुमने हमें जलाने के लिए सुलगाई थी, उसकी चिंगारी ने तुम्हारी सेना के साहस को जला दिया। पौरव राष्ट्र का प्रत्येक वीर अपनी अंतिम श्वास तक लड़ेगा। भारत जय तो वो लड़ेगा अपने राजा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अखंड भारत के लिए। अब भी अवसर है तुम्हारे पास, चले जाओ यहाँ से, अपने अहंकार का बोझ उठाए। तुम भारतीयों का सिर्फ एक ही मसला है, तुम बोलते बहुत हो लेकिन मैं जुबान से नहीं हथियार से बात करने में यकीन रखता हूं। अभी इसी वक्त तुम्हें खत्म कर सकता हूं, मगर उसके पहले मैं तुम्हारा गुरूर खत्म करूंगा। अब देखते जाओ मैं क्या करता हूं।
मुझे केवल आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी ये योजना यवनों के साथ होने वाले इस युद्ध में पुरु को विजय के अत्यंत निकट ले आएगी। देखना, शीघ्र ही पुरु विजयी होकर लौटेगा। चिंता मत करो, तुम्हारे पिता और माँ उस अलेक्जेंडर को कभी जीतने नहीं देंगे। तुम भी हमारी ही भांति एक स्वतंत्र और सुरक्षित भारत में जन्म लोगे। ये वचन है तुमसे तुम्हारी माँ का। तुम लोग अपने अजीजों को चलाते हो ना, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी मैं पूरी करता हूं। भाई, मुझे अलेक्जेंडर के पास जाना होगा मलिका। मैं उसे वहां से लौटा कर लाऊंगी और फिर हम सब मैसेडोनिया लौट जाएंगे। अगर इस मुल्क पर जीत की कीमत अलेक्जेंडर की जिंदगी है, तो नहीं चाहिए ऐसी जीत। फिक्र मत करो रॉक्सन, सेलुकस ना सही, लेकिन अलेक्जेंडर के पास अभी भी उसका वफादार हिफेस्टियन है। वो पिछली बार भी अलेक्जेंडर को मैदान जंग से बचा कर लाया था, और अगर इस बार भी हालात हद से बिगड़ गए तो वो कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लेगा। हिफेस्टियन अलेक्जेंडर को तब बचा पाएगा जब वो खुद बच पाएगा पोरस से। आगे बढ़िए महाराज पुरुषोत्तम, जीत लीजिए इस युद्ध को।
अलेक्जेंडर, हम अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार उन्हें अग्नि देकर करते हैं, पर अपमान से नहीं, उन्हें सम्मान की मुखाग्नि देकर, ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। मेरे भाई ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। उसने कोई विदेशी अग्नि दे, ये मुझे स्वीकार नहीं, किंतु अभिन्न तुम्हें करना चाहिए, स्वयं अपने प्राणों की, अपने लोगों के प्राणों की। कहते हैं कभी कभी इंसान का दुख देखकर आसमान भी रो देता है, पर आज पोरस का शौर्य देखकर आकाश की आंखों में गर्व के आंसू थे। जहां अलेक्जेंडर ने इस महायुद्ध का एक पड़ाव छल और बल से जीता, तो अगला पड़ाव पोरस ने अपने देश प्रेम और शौर्य से जीता। किंतु अभी इस रणभूमि को इस युद्ध में और भी बहुत कुछ देखना था, क्योंकि इन दोनों ही महायोद्धाओं को अपनी अपनी नियति सिद्ध करनी थी। अलेक्जेंडर की दुनिया जीतने की नियति और पोरस की भारत का रक्षक होने की नियति, और अब ये युद्ध अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। तुम उठोगे, ये जंग तुम्हें किसी और के खिलाफ नहीं, अपनी मौत से लड़नी है। अपनी जिंदगी की जंग तुम्हें जीतनी है फैसले, अपने जुनून और जज्बात को मरने नहीं देना। अब या तो ये लोग तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लौटाएंगे, या मैं इन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा। सब लोग सुन लो कि अगर हेफेस्टियन का इलाज करते वक्त किसी के भी हाथ कांपे, तो अलेक्जेंडर उसका वजूद मिटा देगा। इसलिए जो करना है करो, मैं बस हेफेस्टियन को जल्द से जल्द अपने पांव पे खड़ा हुआ देखना चाहता हूं। तुम्हें याद है भाई, किस प्रकार हम बचपन में झगड़ा किया करते थे? और फिर पापा हमें एक दूसरे के सामने खड़ा कर देते थे, हमें गले लगवाते थे, फिर सारा क्रोध, सारी कड़वाहट दूर हो जाती थी। काश ऐसा कोई होता जो फिर से हमें गले मिलवा देता। रिपू काका को हस्ती पे गर्व होगा पुरु, उनका स्वप्न पूरा हुआ, हस्ती ने अपने अंतिम समय तक तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा की। वो हस्ती का साहस और त्याग ही था जिसके बल पर हमने अलेक्जेंडर और उसकी सेना को अब तक रोक रखा। हस्ती ने हम सबके भीतर देशभक्ति की कभी ना बुझने वाली लौ जला दी है। उचित कह रहे हैं आप पिताश्री, मेरे भाई ने जो कुछ भी किया वो संसार में विरले ही करते हैं। जो प्रेम और निष्ठा मेरे भाई ने मेरे प्रति, अपने देश, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने लोगों के प्रति दिखाई, वो संसार कभी नहीं भूल पाएगा।
गर्व है मुझे कि हस्ती मेरा भाई है। बस दुख इस बात का है कि हस्ती अब मेरे साथ नहीं। पुरु, कौन कहता है कि हस्ती तुम्हारे साथ नहीं है? हस्ती जैसे शूरवीर कभी मरते नहीं, जो इस संसार को छोड़ने से पहले अपने शौर्य की लौ दूसरे दीपकों में जला जाते हैं। देखो इन सब सैनिकों को, इन सब में तुम्हें हस्ती का शौर्य ही दिखाई देगा। हस्ती की स्मृतियां शत्रु के विरुद्ध हमारे लिए शस्त्र का काम देंगी, हम सबको प्रेरणा देंगी। उठो, लड़ो और बाहर खदेड़ दो इन अक्रांताओं को जो विदेश से आए हैं। मेरे भाई ने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, तब मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसका बलिदान व्यर्थ न जाए। हम अलेक्जेंडर से अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वक्त आ गया है पोरा तुम्हारे समाप्त होने का। पिताश्री, पिताश्री।